Just me and you. What's up people, welcome to TechRaj Official. I hope you guys are doing absolutely fine. तो जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे MI के डुअल ड्राइवर इन ईयर ईयरफोन्स की, और इसके नीचे लिखा हुआ हाई डेफिनेशन डायनेमिक बेस। जी हाँ, ये बिल्कुल इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। यहाँ पे आपको इसका एक इमेज मिल जाता है, नीचे आपको यहाँ पे एक बार कोड मिल जाता है, और साइड में यहाँ पे फिर से वही लिखा हुआ MI डुअल ड्राइवर इन ईयर ईयरफोन्स, दो साइड्स में ऐसे लिखे हुए हैं। पीछे आपको यहाँ पे कुछ स्पेक्स मिल जाते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। प्राइस जो है यहाँ पे 999 का लिखा है, मगर आपको 700 में मिल जाता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है, और इसके अंदर एक और बॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ईयरफोन रखा हुआ है सबसे ऊपर, और यहाँ पे साइड में एक और जो है बॉक्स बना हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस पाउच में मिलता है। तो आइए अब इस साइड वाले बॉक्स को भी हम खोल लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार खुलेगा, और इसको खोलने के बाद हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आगे चल के यहाँ पे आपको एक जो है मैनुअल मिल जाता है। खैर, मुझे ये समझ नहीं आया, मतलब ईयरफोन के साथ यार मैनुअल कौन देता है, मगर जो भी है यहाँ पे आपको एक मिल जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इसमें, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो आप पढ़ सकते हैं या ऐसे ही साइड में रख सकते हैं। तो अभी जो है आप यहाँ पे देखिए, कुछ ईयर प्लग कैप्स हैं यहाँ पे अंदर, और ये जो है अब ये हमारा मेन ईयरफोन है। और ये जो है पाउच है, अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसी पैकेजिंग है। इसको कुछ इस तरह से खोलना होगा, और फिर हमें देखने को मिलता है हमारा जो है ईयरफोन। और ये देखिए, ये है MI का डुअल ड्राइवर इन ईयर ईयरफोन्स। तो यार बहुत ही अच्छा क्वालिटी है यार, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा निकल के आया ये। और यहाँ पे जो वायर है वो ब्रेडेड है, कुछ पोर्शन इसका ब्रेडेड है और कुछ पोर्शन जो है नॉर्मल वायर है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो ब्रेडेड केबल है। और यहाँ पे आपको जो इसका 3.5 mm जैक मिलता है, वो कुछ इस तरह से बेंड किया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इससे जो है इसका लाइफ बढ़ जाता है और ये खराब कम। और यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये है मैग्नेटिक ईयरफोन्स। देखिए, ये एक साथ जुड़ जाते हैं, कट कट सी आवाज़ आती है, बड़ा मज़ा आता है सुनने में। और यहाँ पे दो ड्राइवर्स आप देख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों मिलके आपको बहुत अच्छा जो है साउंड प्रोवाइड करते हैं, और इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है जहाँ से कि ये दोनों जुड़ जाते हैं। और फिर मतलब जुड़ने का कुछ ये मतलब होता होगा कि मतलब आपका जो है ईयरफोन सही से मतलब प्रिसाइजली रहे, मतलब इधर उधर ना हो, शायद ऐसा ही कुछ मतलब होगा। खैर, तो ये है जो मतलब ईयरफोन है, कुछ दिखने में ऐसा है। और इसके बारे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माइक है, यहाँ पे ये जो माइक है, यहाँ पे माइक के साथ तीन बटन्स दिए हुए हैं, एक है वॉल्यूम अप, एक है वॉल्यूम डाउन, और एक प्ले पॉज के लिए। और उसी में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, एंड माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जो ये कंट्रोल टाइप का ये जो है आपको ये जो मिलता है लीड में, इसका भी क्वालिटी अच्छा है, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। तो ये है हमारा पूरा प्रोडक्ट। और अभी जो है हम इसके साउंड के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। साउंड बहुत ही बैलेंस्ड है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत ही बढ़िया है। इसका जो डुअल ड्राइवर है वो अलग अलग काम कर रहा है, आपको ये पता चलेगा। जो बेस पार्ट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया है, जो मिड्स हैं वो भी बहुत बढ़िया है, जो हाइज है वो भी बहुत बढ़िया है। मैं 48 आवर्स इसको यूज़ करके फिर जो है ये रिव्यू बना रहा हूँ, और लिटरली ये आप लोगे तो आप रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपने प्राइस पे किया है वो बिल्कुल वर्थ है, और ये ईयरफोन्स मतलब मस्ट हैव है यार। कुछ ईयरफोन्स में हमें इक्विलाइजर का यूज़ करना होता है ताकि हम अपने हिसाब से बेस बढ़ा सकें, मिड्स को कंट्रोल कर सकें और हाइस को कंट्रोल कर सकें, बट इसमें आपको इक्विलाइजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतना अच्छा साउंड आपको प्रोवाइड करता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा और आप बिल्कुल इसे बाई कर सकते हैं। मैंने इसे 700 रुपीज़ में बाई किया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज टाटा बाय बाय एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।